जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनिला आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट से मिल करवा रहे हैं जिनको मैंने पहली दफ़ा जो नोटिस किया देखा तो मेरे ख्याल में मैंने पहले भी होगा लेकिन जो मैंने नोटिस किया वो हम टीवी का ड्रामा यूं ही था और उसमें जो है एक कैरेक्टर था इकबाल के नाम से वो पोर्ट्रेट कर रही थी तो एकदम से देख के मुझे ये एहसास हुआ मैंने कहा यार ये तो बड़ी एलिगेंट बहुत ही ज्यादा सुपर टैलेंटेड कस्म की खातून है तो इनसे मुलाकात करनी चाहिए आई कॉन्टेक्टेड हर एंड शी वाज वेरी वेरी ग्रेशियस टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड कम एंड हैव सम चैट विद यू ऑल लेट्स ऑल वेलकम तजीन हुसैन अस्सलाम वालेकुम तजीन वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू no, it's always a pleasure. It was such a pleasure when you uh, actually accepted my invitation and agreed to come. Because um, bada main badi, uh, usme thi. Achha, at that time, till that time, I had no idea who you were. Like, you know, your background, your father, I didn't know about your father. Uh, बाद में पता चला but anyway वे uh, आपके अंदर एक रिजेम्बलेंस बहुत स्ट्रॉन्गली आती है वैसे तलत साहब की अच्छा? अच्छा I haven't heard that before सब मुझे कहते हैं मम्मा तो नहीं है I don't मैंने <laughs> मैं अम्मा को तो देखा नहीं है ना अब्बा को देखा है in fact मिली भी भी हूँ तो I think के या तो वो एकदम से वो attraction थी because I have been a huge huge fan of तरत साहब huge fan बहुत बहुत बड़ी fan थी मैं उनकी तो uh, बहुत 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 हाँ तो मैं भी शायद आई थिंक जब मैंने आपको देखा तो वो एक वो इंस्टिंक्ट नहीं आती एक आपको फॉरन से कि जी ये तो मेरा बड़ा चहिता बच्चा है वाली

अपनी शादी से पहले टेलीविजन पे एंड uh, शादी के कुछ हर से बाद तक मैंने काम किया एंड फिर उसके बाद मैंने एक लंबी ब्रेक ली और फिर उस ब्रेक के बाद uh, आपने uh, एक डेढ़ साल पहले तकरीबन मुझे टेलीविजन पे वापस देखना शुरू किया सो so, स्टार्ट uh, कैसे हुआ एक्चुअली तो मेरा स्टार्ट टेलीविजन uh, uh, में नहीं थिएटर uh, से और टेलीविजन well, भी एक्टिंग से का जो मेरा स्टार्ट था वो दो जगहों से हुआ वन वॉज थिएटर एंड दी अदर वन वेलीविजन थिएटर में इसलिए बिकॉज माई फादर यूज टू रन थिएटर कंपनी विद राहत काजमी साहब थिएटर वाले के नाम से कराची में एक थिएटर कंपनी थी जिसमें मैंने पहली दफ़ा स्टेज किया एंड uh, मैंने एक कैरेक्टर किया था हेलन केलर एक uh, बहुत खातून uh, थीं

Uh, जो कि थिएटर में बहुत बड़ा नाम थी और टेलीविजन पे भी आपने अनकही में और इस तरह के ड्रामों में उनको देखा होगा एंड uh, मेरे साथ शहनाज इस्माइल थी जो कि एक वेल नोन आर्टिस्ट एंड टेक्सटाइल डिजाइनर हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल अक्लेम्ड एंड जिधर मैं नौकरी करती हूँ जहाँ मैंसिएट प्रोफेसर हूँ इंडस वाली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इट्स अ डिग्री इन पाकिस्तान तो वन ऑफ अर फाउंडर मेम्बर्सोस शहनाज इसमाइल तो उनके साथ मैंने थिएटर में फर्स्ट टाइम काम किया टेलीविजन पे आई थिंक माय फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज अंडर द डायरेक्शन ऑफ काज़िम पाशा साहब हु इज द फादर ऑफ निदा काज़ एंड निदा पाशा जिनका मॉर्निंग शो बहुत मशहूर है uh, उनके अंडर मैंने काम किया था एंड आल्सो बुशान सारी साहिबा के जो शोहर थे um, मुझे उनका नाम एकदम से इकबाल wow. एक अंसारी उनकी इकबाल अंसारी डायरेक्शन में भी मैंने बचपन में काम किया फिर मैं well uh, संग -संग मूव गाती थी और yeah. मेरे साथ उस जमाने में आई <laughs> और लैला वास्ती और मैं दोनों होते थे उसके अंदर लैला वास्ती एंड आई जस्ट डन अ प्रोजेक्ट टुगेदर सो वी रिकनेक्टेड आफ्टर सो मेनी इयर्स और हमने गाने भी खूब गाए रिहर्सल्स में ऑन uh, स्क्रीन नहीं और हमने अपनी सारी पुरानी यादें uh, शेयर की जब हम लोग आई डिड प्ले अंडरक्शन ऑफ अतिया खान हु मॉडल एंड अ मीडिया पर्सनैलिटी उनकी मैंने फिल्म की थी रखीब के नाम से जिससे फिर मुझे

रेडियो को छोड़ दिया है फिल्म भी कर लिया है रेडियो किया मैंने रेडियो भी किया आई थिंक दिस वाज आफ्टर आई गॉट मैरिड आई डिड टू थ्री शोज इन फैक्ट ऑन रेडियो दिज वर स्पॉन्सर्ड शोज कॉर्नेटो चाहत है वाज वाज वन आई दिस रोमांटिक मैसेजिंग काइंड शो एंड की मीठी मीठी बातें एक और होता था नैयर रबाब हमारी एक सीनियर कॉपी राइटर और एडवरटाइजिंग की सीनियर प्रैक्टिशनर है उन्होंने ये दोनों शोज प्रोड्यूस किए थे विद कोरियड मकैन उनके साथ तो छोटी um, uh, छोटी बातें बॉल्स की मीठी मीठी बातें मुझे इसलिए याद है बिकॉज उसके अंदर हम जाकर ना कपल्स uh, से इंटरव्यू करते थे सो लॉर्ड ऑफ कपल्स मीडिया कपल्स आई गॉट टू नो अबाउट थ्रू दैट प्रोग्राम जैसे आई रिमेम्बर इंटरव्यूंगी एंड हिज वाइफ एंड ये फैसल कुरैशी जो आ, यूफोन वाला फैसल कुरैशी है hmm. वो एंड हिज वाइफ एंड इन लोगों से मतलब इन सबसे मेरी बड़ी अच्छी गपशप लगी मरहुमा इनकी ये जो आपा होती थी मुझे नाम भूल गया नाम बड़े भूल जाती हूँ मैं लोगों के यू नो द वन हु यूज्ड टू डू दैट कुकिंग शो ब्रिलियंट अनवर मक्सूद की बहन थी हां हां जी ज़ुबैदा आपा ज़ुबैदा आपा आई इंटरव्यूड हर एंड आई थिंक शफी मोहम्मद साहब से भी शायद इंटरव्यू किया था उस जमाने में तो लवली मेमरीज ऑफ हाउ आई गोट टू नो ऑल दी सेलिब्रिटी कपल्स और पीपल हु आई न्यू एज अंकल्स एंड आंटीज बिकॉज आई ग्रो अप इन एक्टिंग हाउस होल्ड बट यू नो आप जब किसी से इंटरव्यू करते हैं उनकी रोमांटिक यादों के साथ या उनके पैशन के बारे में so so uh, so I think I think got to know know them as as and not as, uh, Talat Hussein's daughter you know? so, it was really nice तो तो ये बड़ा अच्छा जबरदस्त आइडिया दे दिया आपने मुझे आई थिंक आई कैन डू like अभी अभी तो हम जवान है कर भी सकते <laughs> हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. <laughs> so naya Rabab. i'm a brilliant uh, you know uh, concept writer and uh, copywriter she was she is mm -hmm. you should totally i'll connect you to her in fact <laughs> awesome 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 any help i can yeah. get I'm, I'm ready to grab it yeah. so uh, so you were here in pakistan or you went abroad somewhere no, no. I was very much in Pakistan. The yeah. break was purely coincidental. Um, I got married, and I was living in a joint family system with a very supportive um, and very um, open-minded uh, in-laws. But mm -hmm. um, uh, as a parent, uh, as parents, me and my husband, we believed in uh, bringing up our kids like very closely.

नहीं रहने लगी थी तो उस वक्त फिर ऐसा हो रहा था कि यू नो जिन जो मैं अपने सपोर्ट सिस्टम पे काउंट करती थी फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ वो सपोर्ट सिस्टम हमारा शेक हो गया था आई कुडेंट ब्रिंग माई सेल्फ टू लीव द किड अलोन एट होम विद मेड्स एंड आई डेंट ड्राइवर्स सो पिकिंग एंड ड्रॉपिंग एंड लुकिंग आफ्टर मनाहिल ऑल्सो डूइंग माई ड्यूटी बाय अंकल माई फादर इन लॉ तो उसके बाद बस फिर कुछ गैप आता रहा फिर दूसरा बेबी आ गया third, <laughs> So you know, media was in fit fit. Uh, and then after my third baby, I took a two-year gap. And then I went back into teaching. Um, I was teaching before as well during my television stints as well. So uh, because my mother educationist and my father acting profession. So it was always a blend of both for me. And then I guess I just became uh, a professional in my teaching profession. And I said bye bye to acting till 2022 when I came back to acting. <laughs> so this has been the trajectory. Okay, 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 okay. That sounds like. अच्छा मुझे बताएं बचपन was तो बहुत किस तरह का घर का माहौल क्या था like you know there was a lot of मैं तलदर्शन की बेटी हूँ. जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हमारे स्कूल में, उनकी बेटी छोटी सी बेटी थी सलीम नासिरब की एंड एट दैट टाइम आंगन टेढ़ा वॉज वेरी पॉपुलर तो वो बच्ची अब मुझे उसका नाम भी याद नहीं है इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट फोर्टी ईयर्स और समथिंग मोर देन फोर्टी ईयर तो उस बच्ची को ना अब सब बड़ा पेम्पर करते थे कि जी पापा के साथ जाके ऑटोग्राफ ला के दो तो, या, एक पिक्चर ला दो एक उस दमाने में तो का तो बड़ा रिवाज होता था जो आईड नहींबल पोजेशन बिकॉज देखो इतने साल गुजर गए हैं एंड मैंने बहुत ट्रेवलिंग की है बहुत जगहों से हम लोग माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह मगर ये मेरे पास संभाल के रखी हुई हर चीज डिस्ट्रॉय हो गई

हम लोग की फैमिली में ना इस चीज का बहुत ज्यादा पब्लिसाइज करने का ट्रेंड नहीं था अबू ने आई थिंक अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी मीडिया लाइफ को खासा अलग रखा था अभी भी मैं भी इसी तरह हूँ मेरी पर्सनल लाइफ और मीडिया लाइफ को मैं सेपरेट रखती हूँ आई लाइक टू कीप इट सेपरेट तो आई थिंक शायद लोगों को पता तो था कि मैं तलत हुसैन की बेटी हूँ लेकिन शायद हमारा रख रखाव या हमारा जो तरीकेकार होता था उसमें हम लोग क्योंकि बहुत ज्यादा इस चीज को फोर फ्रंट पे लेके आते नहीं थे तो आ, कभी मुझे इस तरह की फीलिंग हुई भी नहीं ऑल्सो मैं शायद इतनी पॉपुलर टाइप की बच्चा भी नहीं थी ना कम दोस्तें थी और उनके साथ अपना एक ग्रुप बनाकर रहना और बस उन्हीं के साथ रहना बहुत ज्यादा मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं थी आई वॉज एन इंट्रोवर्ट किट अम्म हाँ ये जरूर होता था कि ड्रामा वगैरह के जब कोई प्रोग्राम्स होते थे स्कूल you know, में तो उसके अंदर मैंने ऑडिशन जरूर करना होता था और बिल्कुल ऐसा नहीं होता था कि मुझे लीड रोल मिलता था क्योंकि अबू एक्टर uh, है तो उसके अंदर क्योंकि हमारे साथ बड़े बड़े चीते परफॉर्मेंसेज होते थे आपको पता है स्कूल के अंदर बच्चे कितने जबरदस्त होते हैं एंड यू नो अ गुड स्कूल सिस्टम इज वन दैट इज एबल टू टेक आउट दैट थिंग फ्राम द किड एंड नो फुट इट फॉरवर्ड बट येस आई वु एंड पार्टिसिपेट इन ऑल परफॉर्मिंग आर्ट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल तो ये जरूर होता था और uh, मैं खुद भी टेलीविजन पे थी उस ज़माने में because I was doing संग संग चले and also these odd plays जो मैंने काजिम पाशान इकबाल अंसारी वगैरह के साथ तो मैं खुद भी टेलीविजन पे आती थी, थी तो लोगों को पता था कि मैं आ रही हूँ लेकिन शायद उस तरह से मुझे कभी किसी ने तंग वंग तो नहीं किया ऑल्सो uh, मैं अभी कुछ दिनों पहले ये रिकॉल करी थी कि एज अ किड हमारा वैसे तो घर बहुत मजे का था इन द सेंस कि हम बहुत uh, खुली डुली फैमिली थे हमारे घर में बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं थी चीज़ों के ऊपर हमने uh, अम्मी अबू ने हमें फेयर अपॉर्चुनिटीज दी टू तो इंटरेक्ट विद मीडिया बट ऑल्सो इंटरेक्ट विद अदर थिंग्स फॉर इंस्टेंस मैं डिजाइन पढ़ाती हूँ और उसकी डिजाइन की आपको पता है रूट्स तो आर्ट में होती है ना तो मेरे अबू एक आर्टिस्ट भी थे या हैं सो ही यूज्ड टू पेंट एंड ही वाज वेरी गुड एट ड्राइंग एंड स्केचिंग सो so, जो मेरे इनिशियल आर्ट असाइनमेंट थे ना उसमें मुझे हेल्प करते थे ममा कुड नॉट ड्रॉ टू सेव हर लाइफ बट अबू कलर टेक्निक्स उन्होंने मुझे सिखाई और फिर अबू की गैदरिंग भी इसी तरह की होती थी क्योंकि उस जमाने में जो आ, बहुत सारे आपके जो एक्टर्स थे ना इनके पैशंस होते थे फॉर इंस्टेंस फैजान ज्यादा सादान सदान ज्यादा उस्मान ज्यादा समीना ज्यादा के दो um, देवर है मेरे ख्याल में hmm. उनमें से एक ही डेथ हो चुकी है दूसरे वाले सो hmm. uh, so इन लोगों का हमारे घर में बड़ा आना जाना रहता था एंड देवर फैंटास्टिक पेंटर्स एंड आर्टिस्ट एज वेल सो यू नो कभी ये भी होता था कि शाम को अब्बू के पास मैं बैठी हुई अपनी पेंटिंग कर रही हूँ और सादान और अब बैठ के चाय पी रहे हैं और एकदम से दे वुड लुक एट माई एंड टेल मी अच्छा इसको तुम थोड़ा ये वाला कलर इस तरह वॉश कर दो तो ये बेहतर हो जाएगा सो so, हमारे इस तरह का घर था यू नो राहत अंकल आते थे अबू और उनकी जबरदस्त चाय की बैठकें होती थी एंड राहत अंकल लव माई मदर्स कुकिंग सो आई नो एंड ही वुड कम ही वुड से रशी खाना खिलाओ सो so, ममा देन गो एंड कुक एंड फिर उनकी बड़ी लड़ाइयां होती थी बिकॉज दे बोथ यूज टू रीड

अबू हमें बुक शॉप्स पे हमेशा खुद लेके जाते थे जो हमने अबू के साथ नहीं किया वो मैंने उनके साथ कभी ट्रैवल नहीं किया आम, और बीचेस पे अब्बू हमें लेके गए जो फैमिली पिकनिक्स होती थी लेकिन हम कहते थे अब्बा ना आए तो बेहतर क्योंकि अब्बा इतने कोई डरपोक अब्बा होते थे ना मतलब जिस दिन हमने बीच चले जाना अब्बा के साथ तो अब्बा ने कहना कि जी टखनों से ऊपर आप पानी में जा नहीं सकते और फिर हमारे रोने निकल रहे होते थे हाय है, है अबू ने हमें पानी में नहाने नहीं दिया और समंदर की लहरों में हमें तैर नहीं दिया तो हम कहते थे अब्बू को ना लेके जाए प्लीज आप बीचेस पे या पिकनिक के ऊपर अब्बू के साथ हम एग्जिबिशन एंड बुक शॉप्स एंड फिल्म एंड प्लेस इन चीजों पर जाएंगे सर्कस भी अबू ने हमें दिखाया अब यू नो वी यूज विदर आई वुजुडाइज विदीज क्रिएटिव बॉडीज बट वी गोट टू सी ऑल ऑफ दैट विद हिम एंड आई गेस उन्होंने हमारी एपिटाइट को वेट कर दिया था ना फॉर क्रिएटिव आर्ट एंडॉर्मिंग आर्ट एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट कैरियड इन टू माई पैशन फॉर डिजाइन And I teach design. I'm a communication design teacher. So um cheize, I think they integrated into my personality and also into my love for acting. Wow. You are blessed. You Alhamdulillah. Are... I had a fulfilling childhood. Yeah. I can I can sense it. I can sense it. And yes. uh Joe field Exactly what is it? Like arts में आप क्या क्या करते हो लाइक यू मेक ग्राफिक डिजाइन और क्या है ये मुझे वाकई में नहीं पता <laughs> नहीं, नहीं no so, uh, 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 कह सकते हैं कि communication से हुआ है? uh, mass -com है, पुराने जमाने में मैसकॉम कहते थे सो मैसॉम इज ब्लेंड ऑफ टेक्सचुअल

Uh, you know, sort of like your portal into communicate or into information which is on the web and mm -hmm. not in, uh, in the real world, right? Mm -hmm. So, uh, yes Sara communication design can under. So mm -hmm. I teach that. Uh, I teach people how to design. I teach how to, people how to research design artifacts. I teach them how to research to produce design. Um, I also help them develop design. Uh, proposals and then execute them into design projects. These are final year projects, thesis ke hoge. Ya yeah, industry ke saath, uh, kabhi, uh, mere students jo kisi industry ki. Jaise project tha, Zindagi Trust ke Abhi, Zindagi Trust wanted to develop digital safety toolkits for their students. Mm -hmm. And then uh, my students uh, undertook a project with them, and they designed like an entire booklet um, for digital safety, telling young girls.

1998, में मैंने ग्रेजुएट किया 1999, में मैंने प्रोडक्शन uh, की एंड फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई प्रोड्यूसड समोजेक्ट आई डिड एज अर एज एन एसोसिएट प्रोडूसर वन वॉज दीरिज ऑफ लॉन्ग प्लेस कॉल्ड टपाल टेली थिएटर

प्रोग्राम विच और टॉक शो विच वॉज बेस्ड ऑन विमेन प्रॉब्लम वो मैंने खुद प्रोड्यूस किया था उसका सेट भी मैंने खुद बनाया था उसकी कंटेंट हम लोग मिलकर जनरेट करते थे सो एज यंग ग्रेजुएट फ्रॉम इन दिस वैली आई डिड ऑल इज वेल आई ऑल्सो डिड समेक्शन फॉर मिसालिद वर्क वॉज आफ्टर माई मैरिज आफ्टर माई बेबी शी यूज टू डू दिस प्रोजेक्ट फॉर इन टेलीविजन आई थिंक we used to uh, have a designer who would redo a house. So uh, I assisted Ms. Ba in that after my marriage and after my baby. So, yeah, I I think I've done it all. <laughs> done it all. Done it all. Okay. I can sense a very strong passion in you regarding uh, women and uh, women's right. Am I right? Yeah. Why not? <laughs> yeah, yeah. Okay. So, आर यू स्टिल चीज में किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जिसमें आप कुछ कर रहे हैं या लाइक यू नो इक्वालिटी के ऊपर या वही वीमेन मार्च टाइप का कुछ चल रहा है सिस्टम क्या है फील्ड फॉर वीमेंस राइट और i am very much in the field actively practicing what i believe in i believe in the principle of emancipation emancipation obviously leads to you knowing about your rights i wouldn't say it's only about women's rights because i think rights are a human uh, you know uh, um, right <laughs> so you yeah so um, it's not about being into women's rights only i believe in rights for everybody yeah. when i teach when i teach my teaching content my teaching methodology and what i and the values that i ingrain in my students are all about emancipation and rights mirakoi student esani yoga joke feel karega they have been dependent on mr if they have learned anything from Mr. Zine, that is to exercise their own judgment and their own thinking in anything that they undertake. So I think I have been extremely active, aligning myself to causes. Um, I don't believe in just aligning myself to causes. Essay. So while uh, I believe in um, उस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट अगर मुझे ऑफर होते हैं तो मैं जरूर करती हूँ इसी तरह um, कोई मुझे अगर, अगर अप्रोच करता है कि आप किसी बच्चे को काउंसिल कर दें या कोई स्कूल uh, या कोई चैरिटी रन कर रहा है जिसके अंदर करती है ना आपको सोचना सिखाती है एजुकेशन तो कोई भी इस तरह का एजुकेशनल कॉज होता है तो मैं उसके साथ हमेशा होती हूँ मैं बहुत सारे बोर्ड ऑफ स्टडीज पे सर्व करती हूँ दीज आर वॉल्ट्री कैपेसिटीज का बोर्ड ऑफ स्टडीज है बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी बी यू एल

मेरे ख्याल में सोसाइटी में, में ना हर चीज की जगह होती है hmm. तो um, देखिये वो नारे लगाना भी जरूरी है उसकी भी एक स्पेस है लेकिन हमारे काम की भी एक स्पेस है उसके अंदर लोग कम आते हैं तो और लोग उसको ज्वाइन करें तो फिर हमारे मुल्क का फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा बिकॉज वी क्लेम दैट स्पेस फॉर आर सेल्व राइट

i think they're also doing that but i think these things should exist they should coexist in society believe hun, main iske mm -hmm. Mm -hmm. Okay. after talking to you i think that role in Yuhi that you did iqbal is a complete blast <laughs> of what you actually believe in and what you actually are am i right yes it was the exact opposite of what i am. <laughs> it was a difficult role to do. Okay. Uh, Tazin is not like that. Hmm. Tazin is not shy and Tazin talks a lot and she's loud and she speaks her mind. So, um, but I think Etisham thought that I would be able to do it, my director. Hmm. And um, I'm glad that I did it. Hmm. And he was able to take that out from me. I remember having intense conversations with him. I think perhaps what Ekbal's role did for me hmm. was to be able to understand how women in that situation feel. Hmm. Um, as a communication designer and as an actor, both, they meet they meet these two things: acting and my what I teach hmm. and what I what I have studied. In dono connection. So in order for you to be a good designer you need to understand different needs of people and the way unki situation kya hogi jisko hum kehte hain empathy ek designer mein empathy hona bahut zaruri hai as an actor aap mein empathy hona zaruri hai kyunki agar aap apne role ko samajh nahi sakte to fir aap usko ada bhi nahi kar sakte usko nibha nahi sakte us role ko so i think ek uh, baar's character was a great learning experience for me for me because i learned and I was able to empathize with women who face a life mm. which is as shackled and as um, unfree as Iqbal's life was. And um, I think I've grown as a person because of that. Mm. So, how was the experience like? I mean, you had all the big names Maya Ali and um, Bilal Ashraf and of course was working with shamuddin sahab who's, or uh, uske baad hi phir pulao uske baad hi aaya. Yubi, <laughs> okay absolutely so it was a very progressive drama in some ways but it was very regressive as well in some ways you know i am friends with saira gulam nabi uh, jo hum pe creative uh, writer and she told me about this drama that was happening and uh, after the first episode uh, or second episode aired मैंने 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 उसको उसको बड़े गुस्से से से कॉल किया कहा यार ये क्या बकवास दिखा रहे हो तुम लोग लोग मैं बाहर रहती ओके okay? you know, ऐसे हम अपने बच्चों को बहुत डिफरेंट तरीके करते हैं you know, अपनी वैल्यूज के साथ अपने उसके साथ यू डोंट जस्ट गो अराउंड लाइक यू नो नेम्स एंड लाइक स्टफ लाइक तो वैसे बच्चियों की शादियों के लाले पड़े हुए <laughs> yeah, there were lots of things I didn't agree with, but even then retrospectively they came to it was a pretty progressive drama. Uh, yeah. So um, how was experience? So there are two questions in there. So I'll speak about the first question and then I'll come to the second one. Um in terms of the first question, uh, how was it

हमारे खाना खा लिया या नहीं खाया है उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है uh, जो हमारे साथ को एक्टर्स है उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है टाइम uh, कितना हो गया है कितना नहीं हुआ है वो बच्ची हर एक का ख्याल रखती थी एंड आई एडमायर शी इज दैट का जो बिलीव करती है ये बात पता भी है लेकिन मैंने अब मीडिया पर भी कह दिया है सही है बिलल वॉट अर रिस्पेक्टफुल पर्सन वॉट अर रिस्पेक्टफुल पर्सन लवली ह्यूमन बींगशाम बड़ा मजा आया उनके साथ बात करके सो दैट मैन इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोर्ट्स हाँ आप उनके साथ काम करते हैं तो सिर्फ आपको डायरेक्ट नहीं कर रहे होते वो आपको बहुत सारी और चीजें बता रहे होते हैं उस सेटअप के बारे में जिसमें आपका ड्रामा सेट है लोग किस तरह सोच रहे हैं वो ये क्यों सोच रहे हैं अगर भाभी ने ये कहा है तो उन्होंने ये क्यों कहा होगा और क्यों हमें उसको उसी तरह करना है हर चीज हम फेमिनिस्ट लेंस से नहीं देख सकते हर डायलॉग को हम चेंज नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि उस डायलॉग की डिलीवरी अगर हमें अपनी एजुकेशन या अपने कॉन्टेक्ट से देखने से बुरी लग रही है लेकिन वो किसी और की रियलिटी भी है तो उस चीज को समझो और उस चीज को रिस्पेक्ट करके उस डायलॉग को या उस जुमले को डिलीवर करो ये हमें एहतम ने सिखाया

And I will only direct it. Whether that decision was right or wrong, I'm not going to debate that. But his respect for roles and sanctity of the creative process of every individual in a team effort that a play is, that was great learning for us. And I respect his decision there. And we will also take this.

चीजों के बारे में सोचना सिखाती हूँ okay, हम इसको डिलीवर कैसे करेंगे जैसे मुझे याद एक दफ़ा दफाशाम ने कहा कि तज़ीन इस जुमले को इस तरह मत कहो जब तुम इसको इस तरह डिलीवर कर रही हो ना तो ये एक जजमेंट तो मैं इसको डिलीवर किसी और तरह भी कर सकती हूँ जो कि इसको एक um, you know, रूप दे देगा सो लीव इट ओपन एंडेड वी आर नॉट गिविंग जजमेंट रेजिंग क्वेश्चन वे वु यू नो दिस इज Uh, जिसको हम कहते हैं इमेंसिपेटरी जिसकी मैं बात करी थी फ्रीडम द वे टू थिंक द वे टू क्वेश्चन दिस इज वट आई लर्न फ्रॉम यू ही एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ एहतमाम सो जितना भी मैं कह लूँ वो बंदा मेरे दिल को बहुत नजदीक है मुझे uh, मैं उसको बिल्कुल एक उस्ताद की तरह ट्रीट करती हूँ एंड आई लर्न सो मच फ्रॉम हिम नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन

Uh, and my concern. Okay, like Great. you know. Huh. So here is how I think of it, and this is how perhaps Etishan thought of it, I don't know. So we used to speak a lot about creative license and about whether media was just a reflection of reality. Hmm. And we used to have a lot of conversations about how media should also make us imagine imagine things differently. ऑल्सो द ड्रामेटिक लाइसेंस जिसको हम कहते हैं वे थिंग्स आज एग्जैजरेटेड सो उस पर हमारी बड़ी बहस होती थी और ये बातें होती थी कि क्या मीडिया को सिर्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए रियालिटी को रियालिटी दिखाना चाहिए या क्या हम कभी किसी चीज को एग्जैजरेट करके आउट ऑफ कॉन्टेक्ट ब्लू अप करके उसको हम अपना मैसेज भी कर सकते हैं सो so, um, मेरा यह ख्याल है कि मीडिया ने हमारे टेलीविजन ने पिछले कुछ अर्से कुछ डेके से Zindagi ko reflect the kiya hai. Lekin it has sort of like stopped giving us things to imagine and things to dream about. I think it's about time that we also started bringing that back in. Dr. Anila, you're a mother yourself. You know those stories that we used to listen to? I mean, or we used to read? They used to build your imagination. If you only start thinking about media as reflecting society, well, then there won't be much change, right? So, in order for things to change, you have to have that imaginary, that drama, that unreal being thrown into it so that people can start. bringing back or thinking that idea those ideas that will push us into the next level so mujhe lagta hai ki I think it's time now that media stopped being a reflection of society and perhaps starts being that imaginary space where you imagine new directions so I think सही है अगर आप नहीं relate कर पाती तो कोई मस्तानी है मत करें relate अगर माया का character हमें weird लग रहा है तो हो जाने दे उसको weird एंड उसका जो है ना वो खराब नहीं होना चाहिए एंड आई थिंक यू ही डिड नॉट एंड इज वील आई डोट नो हाउस टू द सेम थिंग अच्छा मुझे जेंटलमैन प्लेड जुल्फी आईन हेम बिफोर आई डों नेम सच कैरेक्टर कौन क्या नाम क्या है इनका कुकी मुझे तो उसका यही नाम पता है <laughs> मुझे उसका तो <दुस्ता> दूसरा <laughs> नाम नहीं पता वैसे उसका प्रॉपर कोई और नाम भी है एंड कुकी मे मी और मे बी नॉट अ लवली पर्सन एंड सो ही वेरी गुड फोटोग्राफर क्रिएटिव प्रैक्टिस फोटोग्राफी उनका प्रैक्टिस है Um, he is also the son of Zille Madam Noor daughter, uh, and the brother of uh, Mr. Uh, what's his name? He is very famous actor. Ahmed Ali Bhatt? Ahmed Ali Bhatt. Ahmed Ali Bhatt. I, know, I, know, I know more about these people. It's been 20 years since I left the country. Nazeem? No, no, so... ये है कुकी और कुकी अपने आप को बहुत डाउन प्ले करके रखता है ना इसलिए उसको किसी को उसके बारे में पता नहीं है बट ही सच वो बिल्कुल वो ही है कैरेक्टर जो उसने जुल्फी का प्ले किया है इन सम वेज बिकॉज मटीरियल ही मटीरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचना और करना कोई उसके अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं है वो सूफी बंदा है सूफी थॉट है उसकी और वो आपको यही कहेगा कि बी ट्रू टू योर अपने अंदर देखो अपने पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करो सो दैट इज कुकी फॉर यू व्हाट अ लवली पर्सन मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ काम करके मैं बहुत डर रही थी कि मैं स्क्रीन पे वापस आई और मैंने रोमांस करना है किसी बंदे से मैं कैसे करूंगी बहुत टेंशन थी मुझे टिल आई मेट कुकी एंड इट वॉज सच ए ब्रीज एंड tremendous respect for him and we've become such good friends ज़िंदगी में मेरे mein mere uh, sorry sir go ahead नहीं मैं कह रही थी जिंदगी में ना जब मुझे बड़ी कोई मुश्किल का टाइम होता है पता नहीं वो सेंस कर लेता है इंस्टाग्राम पे ही दोस्ती है तो नहीं है एंड उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि जब मैं लाहौर जाऊंगी तो वो मुझे कुछ मजे के खाने कुक करके अपने फार्म के खिलाएगा तो विल हैपन हिज वाइफ अ लवली पर्सन शी इज एंड शीज बाईजो डिजाइनर मेरी फील्ड से बिलोंग करती है तो वी कनेक्ट दैट वे Interestingly enough, उसकी बीवी को बड़े लोगों ने मैसेज किया कि जो तजीम है इसकी शक्ल तुमसे मिलती है and i was like oh my god how do you feel about that but <laughs> she feels it doesn't trouble her too much uh, amara sikandar uska naam hai lovely designer she teaches at lums as well uh, design padhati hai and she is part of the advertising fraternity very talented super talented woman uh, so lovely couple anyways MashaAllah, <laughs> MashaAllah. नो क्यूट कैरेक्टर यू नो अगर मर्दों को क्यूट कहो तो उनको बहुत बुरा लगता है मगर इज नो अदर वे आई कैन डिस्क्राइब दैट कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर क्यूट वेरी क्यूट एंड में इतना पैसा कहाँ से आ गया था जुल्फी के पास जिस तरह के उनके हालात दिखाए थे आखिर में तो पैसे का पैसा ही निकलना जा रहा है वो वो अपने इन के वो जो का जो नुकसान होता है वो भी वो भर लेते हैं हजारों के के लाखों पैसे फिर वो सब कुछ कर रहे हैं तो ये कुछ समझ मुझे नहीं आई बट एनी वे चले ठीक है वो भी क्रिएटिव लाइसेंस <laughs> दे देते हैं नहीं देखिए ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं कुछ लोग के जो उनका रहन सहन उस तरह का नहीं होता ना इनफैक्ट अनिल सम ईयर्स बैक वेन आई वॉज गेटिंग मैरिड एटलीस्ट उस जमाने तक तो यही uh, वो होते थे ना वैल्यूज जिनको हम कहते थे अक्सर लोग कहते थे कि जी इस घर में रिश्ता कर सकते हैं हम क्योंकि ये शो नहीं करते अपनी वेल्थ को उनका रहने का जो तरीका है इट्स um, मतलब दे डोंट शो ऑफ दल्थ है न तो um, मैंने ये सुना है वह मेरी शादी का टाइम होता था तो उस टाइम पर इस तरह की बातें होती थी अब मुझे नहीं पता कितनी होती है। अभी मेरी बेटी शादी की एज पे उतनी नहीं आई अभी पढ़ रही है लेकिन जब आएगी तो फिर मैं देखूंगी कि अब किस तरह की बातें होती हैं <laughs> तो आई मे बी कुकी वन ऑफ कैरेक्टर्स हु हैड वेल्थ बट ही अ सिंपल लाइफ आफ्टर ऑल ही सिंगल उसके कोई बच्चे बच्चे नहीं थे उसकी कोई फैमिली नहीं थी जिसपे वो स्पेंड करता और वो खाता पीता भी बहुत ही अ uh, फ्रूगल तरीके से था सिंपल लाइफस्टाइल था तो मे बी दैट वाज इट हु चले आपने एक्सप्लेनेशन अच्छी दे दी इसकी आप बहुत यू यू आर रियली रूटिंग फॉर यू ही हाँ huh? तो कोई अच्छा <laughs> कोई कोई एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करेंगे आप बिफोर वी मूव फॉरवर्ड किस चीज के सॉरी कोई अच्छी एक्सपीरियंसेस हुई हो कुछ कुछ फन क्योंकि बहुत सीरियस कन्वर्सेशन हो रही है ना तो आई जस्ट वांट माय टू टू लिसन सम यू नो लविंग कुछ कोई ऐसे इंस्टेंसेस हुए हो जो आप शेयर करें बिहाइंड द सीन्स या नहीं हाय मुझे तो कोई इस तरह के नहीं फन तो बहुत है ये yeah. आ, ये आपके बहरोज साहब और दीपक परवानी ये लोग जब साथ बैठ जाएं तो क्या फन कभी कोई कम हो सकता है हो ही नहीं सकता और फिर ऊपर से मंसूर साहब दादाजी थे तो ये तो <laughs> मतलब जोक्स और uh, खाना पीना दावते oh God, foodies, और मैं उस जमाने में स्ट्रिक्ट डिटॉक्स डाइट पे थी मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे थे तो रोज इन लोगों ने कोई ना कोई खाने मंगाने और भे, कभी बहरोज साहब लेके आ रहे हैं कभी मंसूर साहब लेके आ रहे हैं माया ने दावते की और दीपक अपने घर से खाने पकवा के ला रहा है और इनके जो जोक्स और कहानियां होती थी दैट वाज जस्ट नेवर एंडिंग मेरे तो तो सर में दर्द हो जाया करता था <laughs> तो लेकिन मैं खुद कोई बहुत ज्यादा इंडल्जर नहीं हूँ इस तरह की चीजों में बट ये कि सेट तो डेफिनेटली था ये आप जरूर कह सकते हैं और हाँ क्रिकेट हम लोग बैठ के साथ देखते दे थे कान एंड क्रिकेट एंड ये लोग सारे शूटिंग्स भूल के क्रिकेट चल रहे हैं आई थिंक शायद कोई वर्ल्ड कप हो रहा था उस जमाने में या क्या हो रहा था उसके सारे मैचेस हमने देखे बैठ के वो भी हुआ रमजान हम लोगों ने साथ गुजारे दैट वॉज really nice. uh, yeah, दीपक और मे बी कुटली अच्छा मुझे रहा जुर्म पहले किया था मैंने जुर्म एयर बाद में हुआ लेकिन जुर्म वॉज माई फर्स्ट एक्चुअली तो मैंने मेहरीन से कहा मेहरीन पहले हम मिल लें क्योंकि तुमने मुझे तो इतने सालों से देखा नहीं है तो यू शुद्ध सी मी श्री सर नहीं नहीं मैंने तुम्हारे इंस्टाग्राम चीजें देखी है कैरेक्टर मैंने कहा नी वी मस्ट मीट सो वी मेट ओवर कॉफी Uh, at Butler's on Zamzama, mm -hmm. and it was एट like, बटलर्स uh, years I think had passed. लाइक years तो हो गए थे उसको मुझे मिले हुए फिर मैंने उसका जुर्म किया जुर्म में मुझे सबने पूछा कि Are you back? मैंने कहा मैं कर लू फिर मैं बताऊँगी कि मैं back हूँ या नहीं I was really scared. मैंने मेरीन से कहा मैंने कहा मेरीन मैंने 20 years से काम नहीं किया कैसा होगा मेरीन ने कहा you know acting is like riding a bicycle or swimming. Once mm -hmm. you know it you know it. तुम कैमरे के सामने वापस आओगी तो तुम्हें सब कुछ वापस आ जाएगा तो मैंने कहा ओके okay. फिर मैं जिस दिन गई इन्होंने सबसे पहला मेरा सीन सबसे मुश्किल वाला कर दिया विच वाज माय सीन विद वहाज वेर आई फाइंड आउट दैट माई डॉटर्स डेड एंड आई एम कंफ्रंटिंग हिम के यू you नो know, क्या हुआ और कैसे हुआ इमोशनल एंड इंटेंस सीन सो या But uh, after doing Jurm, I felt that yeah, I want to do it again. एंड सो एहतम वज प्लेइंग कैरेक्टर विद मी उन्होंने मुझसे पूछा तुमने करना है मैंने कहा हाँ अगर कुछ अच्छा होगा तो मैं करूंगी और मुझे याद है फिर एहतिशाम ने मुझे कॉल किया दिनों मेरे बेटे की सर्जरी थी तो आई वॉज इन दॉस्पिटल आई really busy with my son's surgery and i will reply to you after 2 3 days kyunki क्योंकि ये जब तक mein में am with him bas that was it <laughs> फिर यूं ही हुआ फिर उसके बाद जुल्म हुआ बीच के अंदर और दो-तीन ड्रामे हुए क्यों हुआ तजीन हाँ क्यों हुआ जुल्म जुल्म क्यों जुल्म जुल्म अच्छा है आप क्यों उसको बुरा भला कह रही है <laughs> यार बहुत टॉक्सिक है मैं आई आई कैन नॉट वॉच सच मुझसे नहीं देखे जाते कुछ होता है जुल्म में अभी डेवलप होगी स्टोरी इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ मायूसी दैट्स ऑल आई कैन से ओके आई विल टेक योर वर्ड फॉर इट बट राइट नाउ मैं मुझे लग रहा है कि ये स्टोरी 50 लाख दफा मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वाई जुल्म लाइक यू नो टॉकिंग टू यू इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी वाली बंदी इस तरह के ड्रामे क्यों है मुझे गुस्सा आ रहा है

जो कि रिपील होगी मुझे नहीं पता वैसे तो यूं ही भी 24 एपिसोड्स का था लेकिन आई थिंक एंड में शायद 33 हुए थे ट्वेंटी तो मुझे नहीं पता इसके एपिसोड्स तक जाएंगे बट उनकी अपनी एक ट्रिजेक्ट्री है और uh, रामीन का कैरेक्टर मुझे इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने सुना था एंड दैट इज व्हाई आई द कैरेक्टर प्लीज बिलीव इन मी एंड अच्छा डोंट

जब आप कहानी के अंदर फिर ट्विस्ट आता है और जब आप देखते हैं कि फिर किस तरह उसको मायूस नहीं होना है और स्ट्राइव करना है तो फिर वो एक पॉजिटिव मैसेज भी हो जाता है तो अगर आप उसको देखेंगी तो शायद आपको एंड तक समझ में आ जाएगा कि क्यों किया था मैं <laughs> देख लूंगी यार ओनली फॉर योर सेक अदरवाइज आई वांट टू डू दैट अ पूरी रिस्पांसिबिलिटी इज ऑन यू नाउ Because uh, no, from, from your uh, psychological angle as well, you will now understand why the characters are behaving in certain ways. Um, it's not a very nuanced um portrayal, but there are undertones. I don't know what many will because I am doing my story. My track is with Shahzad uh, uh, Sheikh and this girl.

सो so, मैं एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट करती हूँ लकीली इस वक्त मैं एक सिक्स मंथ्स की लीव पे हूँ अपनी जॉब से जिसके अंदर मैंने अपना कुछ पढ़ने लिखने का काम भी करना है और कुछ मैंने अपनी प्रैक्टिस को भी देखना है तो इस वक्त मैंने प्रोजेक्ट्स में कर रही हूँ मैंने एक फिल्म की है रिसेंटली ईद उल फितर पे रिलीज हो रही है अब आप उस उसपे भी कहेंगी कि क्यों सो तजीन लाइक्स टू डू वेरियस थिंग्स हाँ शी वांट टू डू ये मैं आपको बता रही हूँ आई है क्लिपिंग क्लिप वायरल हुई भी है आप लोगों के सेट की behind the scene, BTS करके तो वो उसमें आप लोग बड़ा कर रहे हैं वो खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं वो गाने हैं, वो गाने गाने बज रहे रहे हैं हैं गाए जा इतना मजे का वो एक एक आपको इम्पैक्ट आता है उसका देख के कि यार ये दिस इज गोइंग टू बी समिंग बिकॉज अगर आप बिहाइंड कर रहे हैं और एक आपके यूनिट की एक आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है फन कर रहे हैं तो वो आपके स्क्रीन पे आती है इनशाला तो really yeah. so uh, do, आपको खुद ही पता चल जाएगा बट येक्टर आई एम लुकिंग एट समथिंग इन दैट कैरेक्टर फॉर मी टू बी एबल टू डू आई डोंट लाइक टू डू जस्ट कैरेक्टर्स जिनकी mere liye arc character arcs are important रामीद ka bhi character arc hai ठीक है okay. um, हाँ द फिल्म इज नॉट अ कैरेक्टर आर्ट बट इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर समथिंग विच नेवर डन बिफोर एंड आई रियली वॉन्ट टू डू इट बिकॉज एवरीबडी सो जब मुझे वजाहत ने और शाजिया ने बुलाया

तो मैंने कहा कि आई लव चैलेंजेस एंड मैंने हालांकि इस तरह का भी किया नहीं है बट लेट्स सी आप मुझे गाइड करें आई एम विलिंग टू लर्न एंड डू इट अंडर योर गाइडेंस देन वी डिड अ रिहर्सल एंड आई आई थिंक ही डोंट नो अब रिलीज होने थे फिल्म और शाजिया और विजहत क्या कहते हैं आप मे बी यू कैन टेक्स्ट देम एंड फाइंड आउट कि मैंने कैरेक्टर निभाया या नहीं लेकिन मेरे ख्याल में मैंने निभाया सो इट वाज बहुत मजा आया मुझे करने में

शायद मैं उतनी इमोशनल नहीं रही हूं या मैं खुशी को उतना फील नहीं कर रही हूँ या मैं अपने आप को करने नहीं देती हूँ या मेरी जो इम्पलसिव चीज है मेरे अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो थोड़ा सा खत्म हो गया है ठीक है जिम्मेदारियां भी आ चुकी हैं तो उसकी वजह से भी होता है सो मैं अपनी बेटी से कही थी मैंने कहा माने आई थिंक आई शुड एनरोल इन अ डांस क्लास और सम का बॉडी मूवमेंट क्लास बिकॉज आई फील आई नीड टू यू नो लाइक डू समिंग विच इज टोटली क्रेजी एंड सो दैट आई कैन रिकनेक्ट विद माई इनर चाइल्ड और विद माई इमोशनल सेल्फ वेर आई एम एबल टू इमो आउट एंड डू थिंग्स एंड आई थिंक ये दर दिल वॉज दैट कैरेक्टर विच अलाउड मी टू रिकनेक्ट बिकॉज आई वॉज प्लेइंग समिंग सो टोटली डिफरेंट के मैंने चिखे हैं और मैंने बोला है और मैंने सब कुछ किया है

के uh, yeah. yeah. अंदर जो कुछ दिखाया मे बी यूटर सेल्फ नॉट अवेयर ऑफ इट बट देर मस्ट भी सर्टन एलिमेंट जिसको आपने इतना खूबसूरती से निकाल के आपने उसको पोर्ट्रेट किया है होगा आपके, आपके अंदर जरूर जी <laughs> देखें ये ये आप क्योंकि साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो मैंने कहा मैं आपसे ये भी शेयर कर लेती हूँ अच्छा, <laughs> ये बताओ मुझे कि ये जो मूवी आपकी है वो लाइक uh, like, uh, बाहर भी रिलीज होगी या फिर सिर्फ पाकिस्तान में रिलीज होगी क्या है मूवी राइट इट्स नॉट अ टेलीफिल्म नो नो इट्स लाइक रिलीज्ड इन सिनेमास आई डों शाहियान

होता है मेरे लिए भी टाइम निकाल के जाना करना बट आई टू सी हमारे पाकिस्तानी सो मच बहुत मज़ा आया आपसे बात करके इट वॉज रियली फंड कि हमारी ये मुलाकात आज यहाँ तक खत्म नहीं होगी एंड वी आर गोइंग